अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन क्लियर, ग्लोइंग, हाइड्रेटिंग और रिंकल फ्री हो, स्किन पर कोई भी दाग धब्बे या कील मुहासे ना हो, तो आज की रेमेडी आपके लिए बहुत गजब के रिजल्ट्स रखने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही कमाल का फेस पैक। ये फेस पैक ना सिर्फ आपकी स्किन से एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करेगा, बल्कि आपकी स्किन को एकदम क्लियर, हाइड्रेटिंग और ग्लोइंग बनाएगा, स्किन पर मौजूद रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिड्यूस करेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ निदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बहुत सारा वेलकम एंड प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत यूजफुल सी DIY रेमेडीज शेयर करती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत कमाल का फेस पैक, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फेस पैक को बनाने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए एक क्यूकम्बर यानी खीरा। खीरे में 96% वाटर होता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को हाइड्रेटिंग बनाता है, स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है, इसका इस्तेमाल आपकी स्किन से एक्नी और पिंपल्स को ट्रीट करता है और ऑयल की एक्सेस प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी आपकी स्किन पर न्यू सेल्स की रीजनरेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड मौजूद होता है जो आपकी स्किन से टॉक्सिन्स को रिड्यूस करता है। खीरे का इस्तेमाल आपकी स्किन पर प्री मैच्योर एजिंग के साइंस को रिड्यूस करता है और स्किन को टाइटन अप करता है। हमारे अंडर आईज का एरिया बहुत सेंसिटिव और ड्राई होता है, तो खीरे का इस्तेमाल आपके अंडर आईज के एरिया को मॉइस्चराइज करता है। इतने सारे बेनिफिट्स के साथ जब हम इसकी एप्लीकेशन अपनी स्किन पर करते हैं तो ये हमें बहुत कमाल के रिजल्ट्स देता है। यहाँ मैंने लिया है एक मीडियम साइज का क्यूकम्बर। अब अगर आप चाहें तो इसको ग्रेट कर लें या फिर मिक्सी जार में इसको ब्लेंड करके इसका जूस निकाल लें। तो इस तरह से मैंने इसका जूस निकाल लिया है। अब हम इसमें अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा, जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेशुमार व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो आपकी स्किन से दाग धब्बों को दूर करती हैं, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती हैं और आपकी स्किन को एकदम क्लियर और ग्लोइंग बनाती हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर। इसमें मौजूद विटामिन सी आपकी स्किन को ब्राइटन अप बनाता है, ग्लोइंग बनाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन ई आपकी स्किन को यूवी डैमेज से रिपेयर करता है। इसके अलावा इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो आपकी स्किन से रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिड्यूस करती हैं। तो फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ हनी यानी शहद। शहद का इस्तेमाल आपकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें, अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास एक स्मूथ मिक्सचर बन जाए। अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हमारा बहुत ही मैजिकल सा फेस पैक बनकर रेडी हो गया है। अब इसको लेकर अपने फेस और नेक एरिया पर अप्लाई कर लें और 30 मिनट्स तक इसको छोड़ दें। 30 मिनट्स के बाद हल्के हाथों से रब करते हुए इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इस पैक को आप 1 वीक के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि अभी विंटर्स है तो जब आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है तो इसको कुछ देर पहले निकाल के रखें ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो ये था हमारा आज का फेस पैक, जिसको अप्लाई करके आप अपनी स्किन को इंस्टेंट ग्लो दे सकते हैं, स्किन को हाइड्रेटिंग बना सकते हैं, एक्नी, पिंपल्स, कील मुहासे, दाग धब्बे और पिगमेंटेशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो प्लीज इस रेमेडी को एक बार जरूर ट्राई करें और 7 डेज तक आपने इसको रेगुलर करना है, और मैं गारंटी देती हूँ कि 7 डेज के बाद आपको अपनी स्किन में बहुत अमेजिंग सा चेंज नजर आएगा। सो आई रियली होप मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।